दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइस बाय वीआरपी। क्लास 12th इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो पार्ट 15 तक पहले अपलोड हो चुका है और आज आपके सामने डिस्कशन के लिए लेकर आया हूं पार्ट 16। ये आपका रेनबो 100 मार्क्स 12th क्लास का इंग्लिश का एक डिस्कशन चल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी। आप गांधी के बारे में क्या जानते हैं, यानी गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट मीन्स होता है क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानना, अबाउट माने के बारे में, गांधी मीन्स गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। आंसर है कि गांधी जी पॉपुलरली माने लोकप्रिय। लोकप्रिय का मतलब क्या होता है, जब आपके काम के आधार पर बहुत सारे लोग आपको जानते हैं तो उसे कहा जाता है पॉपुलरली। एक होता है फेमस। फेमस और पॉपुलरली में अंतर होता है। फेमस लोग जनरली हो सकते हैं लेकिन पॉपुलर होने के लिए उसे काम करना पड़ता है। तो गांधी पॉपुलरली लोकप्रिय रूप से नॉन एज जाने जाते थे। एज मीन्स होता है के रूप में, किस रूप में, बापू और दी फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र पिता। यानी दी फादर ऑफ द नेशन का हिंदी होता है राष्ट्र पिता। ध्यान रखिएगा, ही यूज्ड, वो इस्तेमाल किया करते थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वे इस्तेमाल किए थे सत्य। ट्रूथ माने क्या होता है, सत्य, और नॉन वायलेंस मीन्स क्या होता है, अहिंसा, जिसमें मार काट नहीं होता है। तो ही यूज्ड, वे इस्तेमाल किए थे सत्य और अहिंसा एज के रूप में द चीफ वीपन। चीफ माने होता है मुख, वीपन्स मीन्स हथियार, मुख हथियार के रूप में अगेंस्ट। अगेंस्ट माने के खिलाफ, किसके खिलाफ, द ब्रिटिश। ब्रिटिश माने इंग्लैंड के, ब्रिटेन के खिलाफ। और रूल मीन्स होता है शासन, यानी ब्रिटिश रूल अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट, खिलाफ। चीफ वीपन्स, मुख हथियार, एज मीन्स के रूप में इस्तेमाल किए थे वे सत्य और अहिंसा को। कहां पे, इन इंडिया, भारत में। एक बार फिर से समझिए, गौर कीजिएगा, स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा आप लोग, और पानी पीते रहिएगा ताकि थकान ना हो आपको। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। गांधी जी पॉपुलरली नोन एज, गांधी जी लोकप्रिय रूप से जाने जाते एज बापू और दी फादर ऑफ नेशन, बापू के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में। ही यूज, वे इस्तेमाल किए थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा एज अ चीफ वीपन्स, मुख हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किए थे। कौन किए थे, महात्मा गांधी। तो आई होप आपको यह समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। तो पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। व्हाट डिड गांधी, गांधी ने क्या किया, डू मिस करना, फॉर द फार्मर्स किसके लिए, किसानों के लिए। बोर्ड पे नजर रखिए, स्क्रीन पे नजर रखिए, फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार में किसानों के लिए। डू मिस करना, गांधी यानी गांधी जी ने बिहार में किसानों के लिए क्या किए। ध्यान दीजिए, द फार्मर्स ऑफ बिहार, बिहार के किसानों यानी बिहार के जो किसान सब थे, सफर्ड, पीड़ित थे, ए लॉट अंडर द ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिश के अधीन, अलॉट मतलब बहुत ज्यादा पीड़ित थे बिहार के किसान। दे वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो। दे वर, दे का मतलब होता उन्हें, उन्हें माने भारत, बिहार के किसानों को।
बिहार के किसानों को फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती की जाती थी, दबाव दी जाती थी, टू कल्टीवेट, कल्टीवेट माने उपजाना, इंडिगो, कौन चीज की खेती, इंडिगो मतलब नील की खेती करने के लिए उसे क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता, दबाव डाला जाता था, याद रखिएगा। और वो भी सोचिए, नील की खेती उस खेत पर की जाती थी जिस पर हमारे बिहार के लोग गेहूं और चावल उपजाते थे, और आपको पता हो कि गेहूं और चावल उसी खेत में उपजती है जो काफी फर्टाइल होते, काफी उपजाऊ होती है, और नील की खेती करने के बाद उस खेत का हालात खराब हो जाते थे, तो किसान क्या करते, जनरल खेत पर तो उगते नहीं थे, दे यूज्ड वे इस्तेमाल किए थे टू गेट वेरी लो प्राइस, दे यूज्ड उन्हें इस्तेमाल किए थे, किसको इस्तेमाल किया था, बिहार के किसानों को, किस रूप में, टू गेट वेरी लो प्राइस, और बहुत कम मजदूरी उनको गेट पाते थे, वे उनका इस्तेमाल किया गया और बहुत कम सैलरी उनको दी जाते। गांधी स्टार्टेड, गांधी जी ने शुरू किए कौन सा, सत्याग्रह, सत्याग्रह माने सत्य के लिए आग्रह, फॉर देयर कॉज, इन कारणों से, कॉज मीन्स कारण, देयर माने उनके, फॉर माने के लिए, उनके लिए, एट लास्ट अंततः द फार्मर्स गॉट रिलीफ, अंततः किसानों को, बिहार के किसानों को क्या मिल गए, गॉट मीन्स पाया, क्या पाया, रिलीफ, रिलीफ माने आराम फ्रॉम देयर सफरिंग्स, उनके जो पीड़ा था उनसे उनको क्या मिल गए, थोड़ी सी राहत मिली, रिलीफ मीन्स क्या होता है, राहत मिली। फिर से सुनिएगा, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार में किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किए, द फार्मर्स ऑफ बिहार सफर्ड अ लॉट अंडर द ब्रिटिशर्स, बिहार के किसान ब्रिटिश के अधीन बहुत ज्यादा पीड़ित थे, दे वर फोर्स टू कल्टीवेट इंडिगो, उन्हें फोर्स किया जाता था, दबाव दिया जाता था नील की खेती करने के लिए, दे यूज टू गेट वेरी लो प्राइस, और उनका इस्तेमाल किया था बहुत कम प्राइस पे, बहुत कम ही मजदूरी पे। गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था फॉर देयर कॉज, इन कारणों से, एट लास्ट अंततः द फार्मर्स गॉट रिलीफ, किसानों को राहत मिली फ्रॉम देयर सफरिंग, उनके पीड़ा से, कौन चीज के पीड़ा से, जो इंडिगो की खेती की जाती थी। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जहां भी रहिए खुश रहिए, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और COVID-19 का जो प्रकोप है उसे बच के रहिए, और आपके लिए मैं पूरी सुविधा दे रहा हूं, आप ऑनलाइन क्लास करें, जो वीडियो अपलोड की जाती है उसको देखें, और पढ़ाई अपना बाधित न होने दें, और जो भी गरीब छात्र हैं जिन्हें दिक्कतें हैं उनको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप पढ़े और सबको पढ़ने का मौका दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।